हेलो मित्रों, सत श्री अकाल। निकल आ चुके हैं हमारे कुछ कमी बेशी नहीं। हेलो मित्रों, सत श्री अकाल। हाँ जी, मुझे अपने कुछ फ्रेंडों के बहुत सारे फोन आ रहे थे, तो कह रहे थे अब भी पंजाबी आपने यार अपनी वीडियो में छोले भटूरे नहीं दिखाए। तो मैं आपको बताता हूँ, आज मैं आपको छोले भटूरे दिखाने जा रहा हूँ। तो इंडियन फेमस तो छोले भटूरे जहाँ मिलते हैं वहाँ जो कि है रोशन दी कुल्फी। कहाँ हैं हम पहुँच चुके हैं इस टाइम? अजमल खान रोड पे, द मेन मार्केट में, करोल बाग में। तो हमारे आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं रोशन की कुल्फी है। तो यहाँ पे मिलते हैं देसी घी के छोले भटूरे। यहाँ मिलते हैं देसी घी के छोले भटूरे। तो नाम तो रोशन दी कुल्फी, आप कन्फ्यूज़ हो रहे होगे, कुल्फी है तो छोले भटूरे इनकी। यहाँ पे एक मिलती है केसर की कुल्फी जो हम आपको दिखाएंगे वीडियो में, और जो जो छोले भटूरे हैं वो देसी घी के बनते हैं। यहाँ पे आओ जी, अब खाते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, चलते हैं। हाँ जी, हम अपने टेबल पे बैठ चुके हैं और हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो मंगाते हैं अपने छोले भटूरे देसी घी वाले। ये फेमस है अपने छोले भटूरे कुल्फी में, फेमस तो हर चीज़ में है यहाँ, क्योंकि हर आइटम देसी घी की मिलती है। और जो मैं बचपन से खाता हूँ यहाँ पे, जो हमारे घर वाले यहाँ पे लेके आते थे, हम यहाँ पे छोले भटूरे ट्राई करते थे। और अब केसर वाली कुल्फी मिलती है, बड़ी ज़बरदस्त मिलती है, आपको दिखाता हूँ। पहले हम अपना ऑर्डर करते हैं छोले भटूरे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं केसर कुल्फी। हाँ जी, आप देख सकते हैं हमारे छोले भटूरे आ चुके हैं, जो कि मैं खा के बताता हूँ कैसा है स्वाद इसका, कैसा टेस्ट है। तो आप देख सकते हैं देसी घी का तो एकदम ब्राउन ब्राउन क्रिस्पी क्रिस्पी है, और देसी घी में छोले के बनते हैं, और ये थोड़ा सैलेड दिया हुआ है। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी बाइट, आपको बताते हैं कैसा है स्वाद। हाँ जी, हमारी भटूरे छोले की प्लेट सच के आ चुकी है, तो देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। तो मैं इनकी प्राइस की बात करूं, प्राइस 160 रुपीस सर्व कर रहे हैं आज, और मैं आपको टेस्ट खा के बताता हूँ कैसा टेस्ट है। तो शुरू करते हैं, ये हमने उठाया एक बाइट ली, छोटे छोले डाले, आप देख सकते हैं इन्हें साथ में पनीर भी सर्व कर रखा है। देखो फ्राइड पनीर है, ठीक है। थोड़ा सैलेड, ओहो भाई देसी का स्वाद है ना, देसी का स्वाद आ रहा है मुझे मस्त। जो ये जो छोले बने हैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, जैसे आप खा बिल्कुल माइल्ड मसाले यूज़ कर रखे हैं, उसमें हर चीज़ का स्वाद आ रहा है। और जो देसी घी में ये भी हैं जो उनका स्वाद आ रहा है, वो मैं कहता हूँ भाई साहब जो हल्के से मसाले इनमें यूज़ करके हैं ज़्यादा हीट नहीं कर रहे, जैसे कहीं कहते हैं ना ऑयली ऑयली सा करते हैं, ओवर हो जाता है, वो चीज़ नहीं है। तो मैं एक और बाइट लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ दोबारा। इनका फ्राइड पनीर क्या बात है, चीज़ है भाई, आप देख सकते हैं जैसे कि छोले में ज़्यादा ऑयली ऑयली पन नहीं है। ये देखो कहीं भी आप ऑयली देखोगे, ज़्यादा मसाले कहते हैं ना ओवर लोड मसाले होते हैं, वो चीज़ नहीं, माइनर मसाले डाले हैं, स्वाद पूरा है। देखो ये देखिए, और इसमें देखो फ्राइड इनके ये आलू होते हैं, ये देखिए। टेस्ट की बात करूं 10 में से इनको मैं 9 दूंगा, वर्थ इट है। 160 रुपीज़ देसी घी के छोले भटूरे, मैं कहता हूँ वर्थ इट। हाँ जी, हमारे भटूरे छोले तो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब कुछ करते हैं अपनी कुल्फी के लिए, केसर वाली कुल्फी।
कुछ खाया तो ठंडा ठंडा चाहिए, तो हमारे भटूरे छोले हो गए ख़त्म। अब मंगाते हैं कुल्फ़ी। तो चलो जी कुल्फ़ी का इंतज़ार करते हैं। चलो कुल्फ़ी मंगाते हैं, कुल्फ़ी मंगाते हैं। लो जी आ चुकी है हमारी कुल्फ़ी। तो अब खा के बताते हैं कैसी है भाई। दिल मांगे ठंडा, तो ठंडा इज़ा कुल्फ़ी, वो भी केसर वाली। देखो जी इनकी ये कुल्फ़ी है ना, मटके वाली कुल्फ़ी आपने देखी होगी, ये मटके वाली कुल्फ़ी है जो लच्छे डाल के देते हैं। तो ये केसर वाली कुल्फ़ी बोलते हैं इनको। आप देख सकते हैं इसमें ड्राई फ्रूट से भरी हुई है पूरी, तो बिल्कुल ठंडी ठंडी है। आप देख सकते हैं इसमें ड्राई फ्रूट देखिए। तो खा के बताता हूँ मैं, तो आपको बताता हूँ मैं। तो ये ली हमने बाइट। हाँ जी आ जाओ यार, आप भी खा लो, गर्मियाँ बढ़ रही हैं इसकी ज़रूरत है। ओहो हा 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 हा, क्या बात है भाई साहब, केसर वाली कुल्फ़ी है, केसर का प्रॉपर स्वाद आ रहा है, जो मिलके मिलके स्वाद आ रहा है भाई, मज़ा आ गया। तो इसमें मुझे लग रहा है केवड़ा डाला हुआ है हल्का सा, जो केवड़ा मैं एक बार दोबारा ट्राई करके बता दूँ, हल्का सा माइल्ड सा केवड़ा डाला हुआ है, केवड़े का स्वाद भी आ रहा है, मिल्की मिल्की जो कुल्फ़ी है उसका स्वाद आ रहा है, जो केसर है वो तो अलग ही आतंक मचा रखा है उसने। तो मैं अपनी फिनिश करता हूँ। तो आपसे रिकमेंड है, आप प्लीज़ ज़रूर आगे यहाँ पर विज़िट करें। और इसकी प्राइस की बात करूँ, ये भी 160 रुपीज़ की है, तो वर्थ इट है। 160 रुपीज़ केसर वाली कुल्फ़ी, और इतनी हाइजीन एरिया में प्लेस में मिल रही है आपको, बिल्कुल वर्थ इट है। तो आपसे रिकमेंड है, प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ आएँ, अपने फ्रेंड के साथ आएँ, मीटिंग कोई गेट टुगेदर छोटा सा कर आएँ, बहुत अच्छी प्लेस है। यही नहीं यहाँ पे आपको कुल्फ़ी या भटूरे मिलते हैं, लंच भी है इनका, सब सब हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं ये। तो जब मैं भटूरे छोले की मेरे फ्रेंड से बात हुई थी, मैंने अपने फ्रेंडों से वादा पूरा करा, भटूरे छोले भी आ गए, चीज़ मैं ऐसी दिखाई जो मैं बचपन से अपनी फैमिली के साथ खाता आ रहा हूँ। देसी के छोले भटूरे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई गंदा वाल यूज़ नहीं हुआ। और कुल्फ़ी तो हम भाई छोटे छोटे हाथ यहाँ पे उंगली पकड़ के आते थे, मुझे यहाँ नहीं उस टाइम क्या रेट था, पर उंगली पकड़ के आते थे यहाँ पे, वही स्वाद आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है, सफाई वही है, बस थोड़ा अपडेट कर दिया इन्होंने। तो स्वाद तो की कोई गुंजाइश नहीं है, स्वाद तो वही है, स्वाद में कोई चेंजिंग नहीं है, और सफाई हाइजीन का पूरा मेंटेन है। हमारे एडिटर साहब से पूछते हैं उन्हें कैसे लगी। मेन तो इनसे बोलना पूछना तो भूल ही गए हम। हाँ जी एडिटर साहब कैसी है भाई? बढ़िया। कुछ कमी पेशी नहीं? नहीं टेस्ट अप रहा, मैं तो कुछ बड़े सालों से आ रहा हूँ, बचपन से आ रहा हूँ, सामने के साथ आया करता था पूरी, और अभी भी वही टेस्ट है भटूरे भाई, उसका भी पुराना टेस्ट है जैसा पहले था, कुल्फी भी वही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आप रेटिंग देना चाहो कितनी दोगे? 10 10 आउट 10, क्या बात है। चलो जी हाँ जी हम तो वही हो गए फ्री। मैं तो पूछ रहा हूँ आप कब आ रहे हो इस प्लेस पे, तो मैं आपसे पूछूँगा एक चीज़, गर्मी है, फैमिली से शॉपिंग कर आओ, शॉपिंग करो और यहाँ पे आके हल्के हो जाओ, अपनी भूख शांत कराओ, जिसको लगती है भूख बड़ी तो यहाँ यार मस्त विज़िट करो। तो मैं तो पूछना चाहूँगा आपसे, यहाँ पे आपको कुछ भी खाना हो आप यहाँ के पूरी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली रेस्टोरेंट है। आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया वीडियो में, सेटिंग में कोई इशू नहीं है, सेटिंग प्लेस बहुत अच्छा भी हुआ है, इन्होंने हाइजीन मेंटेन कर रखा है। तो मैं आपको लास्ट आपसे लेता हूँ विदा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यार कमेंट में डालें आप कब आए हो, कब विज़िट करके गए हो, प्लीज़ आपके कमेंट नहीं आ रहे यार, प्लीज़ बताओ तो सही। ओके बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद अस, कुक बड़ी लगी, खाओ पियो ऐश करो।